गुड मॉर्निंग बच्चे, आज हम लोग 7th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 4 के हीट एंड टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आज हम लोग हीट के बारे में अध्ययन करेंगे। हीट का सामान्य अर्थ ऊष्मा होता है, हीट एक एनर्जी होता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल दैट फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, यानी ऊष्मा किसी पदार्थ में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गमन करता है। यानी कहने का मतलब, गर्म वस्तु होगा तो गर्म वस्तु से जो उससे कम गर्म वस्तु होंगे उसमें ऊष्मा गमन करता है, और वह मॉलिक्यूल के माध्यम से जो उसके कण होते हैं, एक कण दूसरे कण को गर्म करता है और दूसरा जो है से आगे वाले कण को गर्म करता है। इस तरह से हीट जो होते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। हीट का बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसमें सन एक जो होता है बहुत ही ऊष्मा का विशाल स्रोत होता है, अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ हीट। इसके अलावा हम लोग घरों में ईंधन के रूप में फ्यूल को जलाते हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्राकृतिक में वोल्केनो होता है, इसे भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। सूर्य एक विशाल सोर्स है ऊष्मा का, जो सभी जीव को ऊष्मा की प्राप्ति होता है इसे। इसके अलावा हम लोग ऊष्मा के जो कैरेक्टरिस्ट है उसके बारे में जानेंगे। ऊष्मा का उसका न तो कोई शेप होता है, न उसका कोई मास होता है, और न उसका कलर, और न उसका वॉल्यूम, और न तो उसका वेट होता है। यानी ऊष्मा को हम लोग केवल फीलिंग करते हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हीट एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ बताते हैं, एक पात्र है, इस पात्र में और एक दूसरा पात्र है, एक में पानी की मात्रा जो है से ज्यादा है और दूसरे में पानी की मात्रा कम है। यदि दोनों पात्र को एक पाइप के द्वारा दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है तो जिस पात्र में पानी की मात्रा ज्यादा होता है उस पात्र से पानी जो होता है कम मात्रा में, जिस पात्र में पानी है उसमें धीरे धीरे गमन करता है। तो जस्ट इसी तरह से ऊष्मा का भी ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। यानी अधिक ऊष्मा जिस पात्र का होगा वह ऊष्मा दूसरे संपर्क वाले वस्तु में धीरे धीरे गमन करता है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है एक रूप से दूसरे रूपों में भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जानेंगे, हीट एनर्जी से लाइट भी उत्पन्न होता है। जैसे सामान्य हम लोग देखते हैं कि एक आयरन रड को जब गर्म करते हैं तो वह गर्म होने के बाद जो है से उसका रंग जो है से बदल जाता है, लाल रंग का हो जाता है, और उसे हमें प्रकाश का भी उत्पन्न होता है। हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में भी चेंज होता है। जैसे स्टीम से इंजन भी चलाए जाते हैं। जैसे पहले स्टीम के द्वारा जो होता है रेल का इंजन चलता था, जो हीट एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्म रूप होता है। अब इसके बाद हम आप लोग को होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसे आप लोग हल करके लाएंगे। जो इस प्रकार दिया हुआ है, नेम एनी 4 मेन सोर्सेस ऑफ हीट। दूसरा है, नेम 2 कॉमनली यूज ऑफ फ्यूल्स। तीसरा है, व्हाई डज
मैं जस्टिस, कैच फायर ऑन स्ट्रीकिंग, और चौथा है व्हाट इज हिट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।